अमूमन 31 दिसंबर को सारे देश में नए साल के आगमन का बड़े ही गजब अंदाज में जश्न मनाया जाता है। इसमें पाश्चात्य सभ्यता की झलक बिल्कुल साफ दिखाई देती है। मांस मदिरा का भरपूर सेवन और भारतीय संस्कृति से कोसों दूर हमारा युवा समाज इस तरह के जश्न में कुछ इस तरह संलिप्त हो जाता है कि अपनी संस्कृति का ख्याल ही भूल जाता है। फिर उनकी कारगुजारियों का नतीजा भुगतना पड़ता है उनके अन्य लोगों को। पाश्चात्य कल्चर का ऐसा अंधाधुंधी हिंदुस्तान में तो छा गया और मुंबई में तो ऐसी मुसीबत कि ये नूतन वर्ष खून से रंगा हुआ। 1.5 लाख बकरों की बलि, 38,000 गायों भैंसों की बलि और 38,000 लीटर दारू चट, और ये नूतन वर्ष मना रहे हैं। हद हो गई, हिंदुस्तान में भी यही हुआ तो हिंदुस्तान कहाँ जाके पहुँचेगा। ये नूतन वर्ष है जयराम जी की, 31 तारीख को इतनी खून खून बहे। और एक सज्जन ने तो अपनी बीबी को केरोसिन डाल के जला दिया कि खाना लज्जत वाला नहीं बनाया, और वो 90% तो जल मरी है, 10% झोंके खा रही है। यही है नूतन वर्ष। क्या ख्याल है बकरों के, और 1,000 बकरे चोरी हो गए हैं। वो बोलते, दूसरे लोग बोलते बकरे चुरा कर बलि देने से खुदा स्वीकार नहीं करता, लेकिन ऐसे ही भी खुदा किसी प्राणी की बलि स्वीकार करके राजी होने वाला खुदा नहीं होता है। जयराम जी की, ये तो मनुष्य की अपनी कल्पनाएं हैं, खुदा को दोष लगाते हैं। बोलो बकरे चुरा चुरा कर बलि लगाओ, बकरे 1.5 लाख बकरे की बलि हुई, 38,000 जीव और गायों भैंसों की बलि हुई, 38,000 लीटर दारू बिका। अब ये नूतन वर्ष हुआ तो सत्यानाश हो जाएगा। इससे तो दिवाली और नूतन वर्ष कोई शराब नहीं, कोई बकरा नहीं, अपना पाप ताप मिटाकर नारायण का स्मरण करने वाली मैया दिवाली, नूतन वर्ष तुझे प्रणाम है। नारायण हरि, नारायण हरि। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा लाला, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तो आत्ममस्ती की शराब पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। खून बहाकर खुशियां खोजना, अरे प्रेम बहाकर परमात्मा को खोज ले लाला लालिया, तेरा मंगल हो जाएगा बेटे। सर्वेक्षण के आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया की जो संपत्ति है, जमीन जागीर और रत्न जवेरात,